हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है विशेष शुरू चैनल पे। फ्रेंड, मैं आपके साथ आज के वीडियो लेके आया हूँ। जो अगर फ्रेंड हम होम बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेता है। इसी तरीके से फ्रेंड मेनू बटन है, अगर मेनू बटन को फ्रेंड हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इसका जो टॉर्च है टॉर्च ऑन हो जाती है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और अगर हम मतलब कि इसको मेनू बटन को दोबारा लॉन्ग प्रेस करते हैं तो टॉर्च ऑफ हो जाती है। इसी तरीके से फ्रेंड बैक बटन, अगर बैक बटन को हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसका कैमरा ऑन हो जाता है, अगर बैक बटन को हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसका कैमरा ऑफ हो जाता है। इस तरीके से आप अपने फोन में आपके होम स्क्रीन पे जो तीन बटन रहते हैं उसको आप कैसे यूज ले सकते हो, ताकि अगर आपको टॉर्च ऑन करनी है तो ऊपर से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर टॉर्च पे ओके करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, तो आपके काफी झंझट हो जाती है। आपके बहुत सारे शॉर्टकट तरीके होते हैं आपके फोन में आपके काम करने के। अगर आपने फोन किसी आपने फ्रेंड किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पहले सेटिंग पे जाओगे, वहां पे आप ढूंढोगे स्क्रीनशॉट है कहाँ पे है, उसके बाद फ्रेंड आप देखोगे भी स्क्रीनशॉट लोगे तो आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। जहां से बड़ा इजी है अभी होम स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करो तो आपके सामने स्क्रीनशॉट आपका लिया जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसे ही कैमरा ऑन करोगे, सबसे पहले आप मेनू में जाके आपके जो ऐप है वहां से कैमरा ढूंढोगे भी कैमरा कहाँ पे, वहां पे आप क्लिक करोगे, फिर कहीं जाके आपका कैमरा ऑन होगा। कई बार हम ऐसी जगह पे होते हैं ऐसी फोटो अर्जेंट में लेनी पड़ती है तो सिंपली आप एक बटन ओके करो, आपका ये कैमरा ऑन हो जाएगा, आप फोटो लो वीडियो बनाओ, आपके काम बड़ी इजी हो जाता है। इस तरीके की सेटिंग को आप अपने फोन में कैसे ऑन कर सकते, कैसे लागू कर सकते, आपके फोन में कहाँ पे सेटिंग होती है, ये पूरी मतलब के चीजों को हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके लिए फ्रेंड आप कंप्लीट वीडियो देखना ताकि आपके पास कंप्लीट नॉलेज पहुंच सके, कोई अधूरी जानकारी आपके पास ना पहुंचे। इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, अपनी सेटिंग पे जाना है। जैसे मेरे ये वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं फ्रेंड भी, मेरे पास जो रेडमी का फोन है, जो रेडमी के फोन की ये सेटिंग तो मैं आपके साथ जो लाइव शेयर कर रहा हूँ इसमें मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास किसी और कंपनी का या और किसी ब्रांड का फोन है तो उसमें हो सकता है भी वो जो अभी ये सेटिंग है हो सकता है कहीं और मतलब होगी, तो सेटिंग में हो सकता है कहीं और पड़ी हो, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करते हो फ्रेंड, फेक वीडियो पता नहीं गंदे मंदे कमेंट करते हो। आप मेरी वीडियो पे आप चाहे जैसे मर्जी कमेंट करो, मुझे कोई एतराज नहीं है फ्रेंड, क्योंकि आपका ये राइट है, आपका अधिकार है, आप वीडियो के रिगार्डिंग आप कैसे भी कमेंट दे सकते हो। लेकिन फ्रेंड मुझे एक बार कमेंट गंदा मंदा कमेंट देने से पहले मुझे एक मैसेज एक कमेंट जरूर कर देना, आगे आपका यार नंबर वहां पे शेयर कर देना, क्योंकि मैं हमेशा हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे से पॉसिबल होता है। नहीं होता तो मैं मतलब कि आपके लिए उस तरीके से वीडियो बना दूंगा ताकि आपके लिए उस चीज को ढूंढना वो काम को करना बड़ा इजी हो जाए। ठीक है फ्रेंड, चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सिंपली मैं ले चलता हूँ अपने सेटिंग पे। जी मैं सेटिंग पे ओके करता हूँ, सेटिंग में जैसे ओके करता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो जो एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन रहता है। जैसे फ्रेंड एडिशनल सेटिंग पे हम ओके करते हैं, थोड़ा सा अगर हम नीचे देखते हैं तो बटन शॉर्टकट का एक ऑप्शन आता है, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो जहां इसके जो बटन के शॉर्टकट है पूरे के पूरे ओपन हो जाते हैं। हम कौन से बटन से क्या काम करना चाहते हैं, कौन से बटन से कौन सा काम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, जो मैं तीन बटन के बारे में बात करने वाला हूँ आगे, आप अगर आपको अच्छा लगता है भी हाँ सर इस तरीके से आप बढ़िया बताते हो, मैं आगे के बटन के बारे में भी आपको बता दूं। जहां से सबसे पहले आता है लॉन्च कैमरा, जैसे हम लॉन्च कैमरा पे ओके करेंगे तो हम कैसे इसको ऑन कर सकते हैं। जहां पे इन्होंने तीन बटन तीनों ऑप्शन दिए गए होते हैं भी, आपको होम स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करना तो आपका कैमरा ऑन हो, मेनू बटन को लॉन्ग प्रेस करना कैमरा ऑन हो, तो ये बैक बटन को ऑन करना तो कैमरा ऑन हो। जहां से अगर मैं फ्रेंड दिखाता हूं, मैं जैसे मेनू बटन का मैं कर देता हूं, पहले तो बैक बटन पे किया हुआ था, अभी मैं मेनू बटन पे लॉन्ग प्रेस करने वाला दिखा देता हूं। तो अभी ये देखो मैं मेनू बटन लॉन्ग प्रेस करके दिखा रहा हूं तो आपके सामने ये कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप अपना जो भी है इस बटन को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड मैं आता हूं दूसरे ऑप्शन के बारे में, जो इसका टॉर्च का ऑप्शन था, टॉर्च के ऑप्शन को भी हम यहां से बैक बटन पे अगर हम ओके कर देते हैं लॉन्ग प्रेस टू बैक बटन, जहां से अपनी जो टॉर्च ऑन हो जाएगी, जो मैं आपको लॉन्ग प्रेस करके दिखा रहा हूँ, ये टॉर्च ऑन हो गया, लॉन्ग प्रेस करूंगा तो टॉर्च ऑफ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अभी हम तीसरा ऑप्शन दिखा रहे हैं स्क्रीन शॉट के बारे में। तो जहां पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो जहां पे ये लिखा भी हुआ है टेक ए स्क्रीन शॉट, अगर हम इसको ओके करेंगे तो जहां पे दिखा रहा है होम स्क्रीन टू लॉन्ग प्रेस, जहां पे मैं मेनू बटन कर देता हूँ मेनू बटन टू लॉन्ग प्रेस, जो मैं पहले कर देता जहां पे मैं बैक बटन होम बटन पे ओके कर देता हूं। अभी अगर हम होम स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा जो साफ साफ आपके साथ लाइव दिख रहा है।
तो इस तरीके से आप अपने बटनों को यूज कर सकते हो। तो बड़ी ही इजी तरीका है, आप अपने मन लो के अपने हुनर को दूसरे को चमका सकते हो भी। जी कैसा कर सकते हो, एक बटन भी आपने ये काम कैसे कर दिया। तो आप स्मार्ट बनना है तो वो आपके हाथ में, आप थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करो और मजे लो जिंदगी। अगर फ्रेंड आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपके पास और कंप्लीट नॉलेज की वीडियो को पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी फेक वीडियो बनती है, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। अभी से शुरू चैनल पे हमेशा आपको रियल और जेन्युइन वीडियो मिलती है। मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।